मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ क्वाइल ऑफ एरिया गिवन इज इतना न्यूटन मीटर। अब ये मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क कब होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क मैक्सिमम तब होता था जब थीटा क्या होता था, जीरो, यानी कि लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, थीटा जीरो अल्फा 90। तो मैक्सिमम टॉर्क आपको क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स में मेंशन नहीं है, तो मैंने वन ले लिया, आपको बी निकालना। अब मैक्सिमम टॉर्क होता कितना है, एन बी आई ए, यानी कॉस हो चाहे साइन हो, मैक्सिमम वैल्यू तो वन ही होती है, तो यहाँ से पुट करके बी की वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम टॉर्क पता है, नंबर ऑफ टर्म्स वन पुट कर दो, करंट और एरिया पता है आंसर, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड टॉर्क ऑन 100 टर्न रेक्टेंगुलर क्वाइल, 100 टर्न्स है, रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ लेंथ कितना 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ गिवन है, तो एरिया आ जाएगा एल इनटू बी, और नंबर ऑफ टर्न भी पता है, करंट पता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला। तो किसने एंगल बनाया, लूप ने, किसके साथ, बी के साथ, क्या उसने बोला नॉर्मल, क्या उसने बोला परपेंडिकुलर, नहीं, लूप का एंगल है तो फॉर्मूला साइन का कि कॉस का, कॉस का, तो फिर कॉस में क्या पुट करेंगे, 60 आंसर। अगर आप बुक्स सॉल्व करेंगे, आपकी बुक्स ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज नहीं करती, वो साइन करना पसंद करती है, तो आपको फिर ये क्वेश्चन कैसे करेगी, वो पता क्या करेगी, वो देखेगी कि लूप का एंगल क्या है बी के साथ, 60, तो नॉर्मल का क्या होगा, 30, फिर वो साइन 30 यूज करेगी, उसकी मर्जी है, हम हमारी मर्जी है, हम कॉस करें या साइन करें, सारी किताबें नॉर्मल के साथ लेना पसंद करती हैं, अब कॉस ले लो साइन ले लो कोई फर्क नहीं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको शीट दूंगा या बुक्स पढ़ेंगे तो ना 90 में से माइनस करना शुरू कर देता है हर चीज को, तो बच्चा सोचता है 90 में माइनस क्यों कर रहा है, वो एक्चुअली हर चीज नॉर्मल के साथ कर रहा है और वो साइन यूज करना चाहता है, वो एक्चुअली क्या चाहता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कॉस साइन में, वह पूरी किताब साइन के साथ सॉल्व करता है इसलिए, तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है। यहां तक गिवन बी 100 गॉस, जो गॉस होता है वो 10^-4 टेस्ला होता है, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर विद करंट गिवन है, व्हाट इज शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ लूप मेड ऑफ दिस वायर विच यील्ड्स मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट का मतलब मैक्सिमम टॉर्क, तो लंबाई वो कहते हैं जी ले लो मेरे से कितनी लंबाई जो है इसकी वायर की कितनी है 44 सेंटीमीटर, लंबाई 44 सेंटीमीटर है, कह रहा है शेप आपकी मर्जी, रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, सर्कल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, मुझे टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, बनाना एक लूप है, हम ऐसी शेप यूज करेंगे जिसका एरिया क्या आएगा मैक्सिमम, और एरिया मैक्सिमम हमेशा किसका आता है, सर्कल, सर्कल, सर्कल का, सर्कल का आता है, गोल डाइनिंग टेबल ज्यादा जगह घेरेगा, रेक्टेंगल कम घेरेगा, तभी तो कहते हैं गोल मत बनाओ टेबल, एरिया ज्यादा खा जाएगा आपका, ठीक। तो सर्कल बनाएंगे तो लेंथ 44 सेंटीमीटर है, 2πr r आ गया, r आ गया तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहां से उसे मैक्सिमम टॉर्क बोला तो थीटा क्या पर पुट करेंगे, जीरो, लूप और बी जीरो, एन बी आई आंसर, क्लियर है यहां तक। सर्कुलर कॉयल ऑफ 25 टर्न्स n गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, 66 सेंटीमीटर गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर गिवन है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन बी इक्वल टू 1.2 टेस्ला, सस्पेंडेड समझते हो, लटका दिया गया ऐसे, लटका दिया ऐसे वर्टिकल, तो ऐसे लटकाया सच दैट बी के साथ अलाइंड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लूप एक प्लेन में है, तो बोलो लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, जीरो, तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम, तो एन बी आई कॉस जीरो। तो इस केस में आपको बताना है इन विच डायरेक्शन शुड अ बैलेंसिंग टॉर्क बी अप्लाई टू प्रिवेंट कॉइल फ्रॉम टर्निंग, तो वो कह रहा है कि जी अब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ये तो घूम जाएगी, अगर ये घूमेगी तो मैं कैसे टॉर्क लगाऊं उल्टा ताकि ये घूम ना पाए, तो मेरे को जाके पकड़ना पड़ेगा ताकि घूमना, उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा, पहले ये बताओ कि करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो टॉर्क लगेगा कैसे, तो इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी आई कॉस जीरो, और ये भी बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स, तो याद रखना टॉर्क के किसी भी इस एक्सप्रेशन में जो हमने थ्योरी में किया, नेट फोर्स लूप पे हमेशा जीरो रहती है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल ईच अदर, ये और ये इक्वल एंड ऑपोजिट है कैंसिल ईच, तो नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, याद रखना, क्लियर है। तो इसी
इसी केस को लेते हुए इसके अंदर भी नेट फोर्स जीरो आएगी पता ही है, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं आएगा। तो टॉर्क की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे यहां पे। अब आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालनी है। मैंने आपको टॉर्क निकालना सिखाया पर डायरेक्शन नहीं सिखाई। डायरेक्शन के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, एम क्रॉस बी। आज हमने किया एम क्रॉस बी। अब एम वेक्टर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है जो अगले चैप्टर में हमने भी करना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन देखो कैसे निकलेगी। एम वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान से देखना, चार फिंगर करंट के साथ घुमा दो यही एम वेक्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम वेक्टर एम किसका बना हुआ है, करंट इनटू एरिया। तो जहां एरिया वेक्टर है वहीं एम वेक्टर है। और एरिया वेक्टर कैसे निकलता था, करंट के साथ घुमाओ चार फिंगर, एरिया वेक्टर आ गया। तो तीन रूल एक जैसे हैं। अगर आपको कोई करंट कैरिंग वायर गिवन है और कोई ये पूछे करंट कैरिंग वायर के सेंटर में बी की डायरेक्शन क्या होगी, चार फिंगर करंट के साथ बी आ गया। कोई ये पूछे करंट कैरिंग वायर है और बताओ एरिया वेक्टर क्या होगा, चार फिंगर करंट के साथ एरिया वेक्टर। कोई पूछे एम वेक्टर कहां होगा, चार फिंगर करंट के साथ एम वेक्टर। सब रूल सेम है। तो एम वेक्टर कहां पर है, बाहर है, तो एम वेक्टर ये रहा। और बी वेक्टर कहां पर है, इधर है, तो एम वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, तो एम वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, तो एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। थंब कहां आएगा, ऊपर। तो टॉर्क कहां लगेगा, ऊपर। आप इसको ऊपर जाने से रोकना चाहते हैं तो आपका टॉर्क कहां लगना चाहिए, नीचे। आंसर नीचे, डाउनवर्ड्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन?